तालीम मरहले मेदवारें आसिया कागज पत्र पर नेदा काम शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उधमपुर लोकसभा हल्के भरे नामजदगी दे कागज पत्र। जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की तरफा 33 सितंबर कोला पहले पहले करवाए जांगन चुनाव, आख्या केंद्रीय मंत्री अमित शाह और। सुप्रीम कोर्ट ने नवे चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लाने की याचिका की खारिज, आख्या एदे कन्ने पैदा होग अफरा तफरी। आतंकवाद के नहीं करता बर्दाश्त, सगुआ एदे साजिशकर्ताएं गी सिखांदा है सबक, आख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और। नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। तो हुन पेश न खबरां विस्तार कन्ने। चुनाव कमिशन की तरफा कल लोकसभा चुनाव के पहले मरहले अधिसूचना जारी करने के कन्ने गए बक-बक मेदवारें अपनी अपनी मेदवारी के कागज पत्र भरना शुरू करी दिता है। पंजे मरहले च करवाए जाने वाले लोकसभा चुनाव के पहले मरहले तहत 17 रियासतें ते 4 केंद्र शासित प्रदेशों दी 102 लोकसभा सीटें लई वोट पाए जांगन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर उधमपुर लोकसभा सीट लई इसे मरहले तहत वोट पाए जाने न। मेदवारी की तरफा इस महीने की 27 तरीक तोड़ी अपनी मेदवारी के कागज पत्र भरे जा सकते हैं। 28 मार्च की इंदी जांच पड़ताल की जाग ते 30 मार्च तोड़ी इच्छुक मेदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 19 अप्रैल की वोट पाए जांगन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आज उधमपुर लोकसभा खेतर थमां अपना नामांकन पत्र दायर किया। उन्हें कठुआ च रिटर्निंग अफसर के सामने अपना नामांकन पत्र दायर किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुंदे कन्ने इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भी मौजूद है। उधमपुर सीट पर पहले चरण च 19 अप्रैल की वोट पाए जांगन ते पहले चरण च 17 राज्य ते 4 केंद्र शासित प्रदेशों च 102 लोकसभा सीटें उपर चुनाव होंगन। उधमपुर लोकसभा खेतर थमां भारतीय जनता पार्टी मेदवार के तौर पर अपना पर्चा दायर करने थमां पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें जम्मू च अपने घर च पूजा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें 2019 च उधमपुर सीट 3,57,252 वोटें के बड़े अंतर कन्ने जीती ही। उन्हें 2014 च भी लोकसभा चुनाव दौरान इसे सीट पर 60,976 वोटें के अंतर कन्ने जित हासिल की ही। उन्हें कांग्रेस के साबका नेता गुलाम नबी आजाद की हराया हा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज कठुआ च अपनी उम्मीदवारी दे कागज पत्र दाखिल करवाने बाद शहरा दे रामलीला मैदान च चुनावी रैली की संबोधित कीता ते विरोधी नेताएं दे इने बयाने दा जबरदस्त परता दिता जे पिछले 10 बरे च कोई विकास नहीं हुआ। डॉक्टर सिंह होरें पिछले 10 बरे दौरान जम्मू कश्मीर च पूरे किए गए नेकां विकास प्रोजेक्टें ते कम्में दा जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होरें भी रैली की संबोधित किया। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया, जहां जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करनी है, जहां जिस चीज की कोताही रह गई है उसकी पूर्ति करनी है। और 10 साल माननीय मोदी जी की सरकार को बीत चुके हैं। निश्चित रूप से यह 10 साल का कालखंड अब हमें तुलना करने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव आयोग ने केंद्र राज्य ते यूटी सरकारें गी आख्या है जे ओ रेलवे स्टेशन ते हवाई अड्डे च नहीं सरकारी संपत्तियों थमां सबने गैर मंजूर राजनीतिक पोस्टरें गी फौरन हटाई लैन। चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी च आख्या है जे आयोग गी बक-बक थारें थमां शिकायतां तो आरदियां न, जिहदे च आख्या गया है जे अजे भी मुल्कां दे मते सारी थारें पर गैर मंजूर राजनीतिक पोस्टरें दा प्रदर्शन कीता जा रहा है। चुनाव आयोग ने आख्या है जे इस संबंध च अनुपालन रिपोर्ट अज संझा 5 बजे तोड़ी आयोग गी सौंपी जा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमिश्नर नियुक्त करने संबंधी कानून पर रोक लाने थमां ए आखदे होई अज भी इनकार करी दिता है जे इस मौके ऐसा करने कन्ने अफरा तफरी ते बेयकीनी पैदा होई जाग। लोकसभा चुनाव 2024 कोला किश हफ्ते पहले इस कानून पर रोक लाने संबंधी याचिकाएं दी सुनवाई करदे होई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ते न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता हुंदी अदालती पीठ ने याचिकाकर्ताएं गी आख्या जे तुस ए नहीं आखी सकदे जे चुनाव कमिश्नर कार्यकारिणी दे तहत है। ए दसदे होई जे नवें नियुक्त कीते गए दे चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ते सुखबीर सिंह सिंधु उंदे पर कोई भी इल्जाम नहीं है। अदालत ने आख्या है जे ओ एक क्याफा नहीं लाई सकती जे केंद्र दी तरफा बनाया गया कानून गलत है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होरें अज आख्या जे लोकतंत्र दे सुचारू कामकाज लई निष्पक्ष चुनाव मती जरूरी है। उन्हें आख्या जे लोकतंत्र की बचाने लई इक बरोबर दा मैदान बनाना लोड़दा है। नवी दिल्ली च मीडिया कन्ने गलबात करदे होए खड़गे होरें आरोप लाया जे कांग्रेस पार्टी दे बैंक खाते की बंद करी दिता गया है ते ए ऐसा नहीं करना लोड़दा हा तां जे कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव च अपने फंड दा इस्तेमाल करी सके। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी होरें पार्टी के बैंक खाते की फ्रीज करने की गैर लोकतांत्रिक करार दिता। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी होरें आख्या जे यह कांग्रेस के बैंक खाते की फ्रीज करना नहीं है सगुआ यह भारतीय लोकतंत्र की फ्रीज करना है। करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है, यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। साबका सांसद ते मंत्री लाल सिंह होरें कल नवी दिल्ली च पार्टी दे बड़े नेताएं दी मौजूदगी च कांग्रेस च परतिए शामिल होई गए ते अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी दा कांग्रेस च विलय करी दिता। लाल सिंह उधमपुर कठुआ सीट थमां दो बारी सांसद रहे दे न ते जम्मू कश्मीर च सेहत मंत्री ते जंगलात मंत्री भी रही चुके दे न। लाल सिंह होरें जम्मू कश्मीर विधानसभा च बसोली खेतर दा प्रतिनिधित्व कीता है। कठुआ जिले दे रौने वाले लाल सिंह की आगामी लोकसभा चुनाव च उधमपुर थमां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दे खिलाफ खड़ोने दी उम्मीद है। उधमपुर सीट उपर 19 अप्रैल की वोट पाए जांगन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ते साबका मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें आख्या जे उनकी पार्टी किसी भी चुनाव की हल्के च नहीं लैदी ते लोकसभा चुनाव की तैयारी करारदी है। जम्मू कश्मीर मकामी पार्टियों के त्रीए मोर्चे की अटकलें की घट करते हुए उमर अब्दुल्ला होरें आख्या जे इस कन्ने कोई खास फर्क नहीं पौंदा कि जे पहले भी इस चाली की कोशिश की गई है ते इस गल्ले उपर जोर भरिया है जे एनसी इस प्रेशन लई तैयार है। उन्दे लोकसभा चुनाव च जम्मू कश्मीर च तकरीबन 3,40,000 नवे बने दे मतदाता पहली बारी वोट पाने दे अपने अधिकार दा इस्तेमाल करंगन। चुनाव कमीशन दी तरफा जारी आंकड़े मुताबक प्रदेश च कुल 86,92,646 मतदाता न जिंदे च महिला मतदाताएं दी गिनतरी 42,56,946 है। दिलचस्प गल यह है जे इस बारी 100 बरे कोला बरेसू दे 2,886 मतदाता अपने जीवन च परतियै वोट पांगन ते कन्ने प्रदेश च 77,613 कोला मते दिव्यांग वोटर भी वोट पाने दे अपने हक दा इस्तेमाल करंगन। इस दे अलावा प्रदेश 169 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। जम्मू कश्मीर दी ये पंजे लोकसभा सीटें लई 11,629 मतदान केंद्र कायम कीते जा रहे हैं। एक मतदान केंद्र पर वोट पाने वाले की गिनतरी औसतन 747 है ते ये कोशिश की जा रही है जे कुसे भी मतदान केंद्र पर वोट पाने वाले की गिनतरी 1500 कोला वध नहीं होए। 50% मतदान केंद्रे का वैब प्रसारण किया जाग ते 80% मतदान केंद्रे पर पूरी 40 महिला कर्मी तैनात होंगन। सबने मतदान केंद्रे पर बुनियादी सहूलत आसन होंगन ते महिलाएं ते मर्दे लई शौचालय भी बनाए जांगन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आख्या जे जम्मू कश्मीर की विधानसभा लई चुनाव सुप्रीम कोर्ट आसिया तय की गई 3 सितंबर की समय सीमा शा पहले गै करवाए जांगन। कल संझा नवी दिल्ली च एक निजी टीवी चैनल दे राइजिंग इंडिया समिट 2024 बोलदे होए अमित शाह और आख्या जे जम्मू कश्मीर च मतदान सुप्रीम कोर्ट की 3 सितंबर की खीरी तरीक शा पहले होग। पिछले हफ्ते अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए दे मुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होरें सुरक्षा कारण करी जम्मू कश्मीर लोकसभा ते विधानसभा चुनाव किट्ठे कराने लई मना करी दिता हा ते भरोसा जताया हा जे तौले गे जम्मू कश्मीर च विधानसभा चुनाव करवाए जांगन। जम्मू लोकसभा सीट लई अगले महीने की 26 तरीक वोट पाए जाने न ते इसी दिखदे होई रियासी जिले च जेड़ा इस चुनाव हल्के दा गै इक हिस्सा भी है तैयारियां शुरू होई गईयां न। जिला चुनाव अफसर विशेष महाजन होरें इस बारे मीडिया कन्ने गल करदे होई दस्या जे इस जिले च कुल 3 विधानसभा हल्के न ते मतदाताएं दी कुल गिनतरी 2,34,706 है। इस बारे च उन्हें और मती जानकारी दिंदे होई दस्या स्टेशन होते थे जिसमें से कुल मिलाके लगभग 95 पोलिंग स्टेशन चले गए गूल में और उधमपुर में, और जब आज की डेट में हमारे पास 425 नए पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें लगभग 2,34,706 मतदाता वोट करेंगे। 425 पोलिंग स्टेशन, 2,34,706 मतदाता वोट करेंगे। हमारे जितने भी मतदाता हैं उनको पता होना चाहिए कौन अफसर है, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है। MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लग चुका है उसके जो नोडल अफसर हैं वो मेरे भाइयों और बैठे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है वो आप करिए।
उधमपुर संसदीय खेतर लई 19 अप्रैल की पहले मरहले च होने वाला लोकसभा चुनाव निष्पक्ष ते पारदर्शी कराने दे मकसद कन्ने सरकारी डिग्री कॉलेज उधमपुर च त्रऊं दिने दी सिखलाई ते जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा करदा है, जिदे च चुनाव कराने वाले मुलाजमे की ईवीएम बारे जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षकें बैलेट इकाई नियंत्रण इकाई ते होरने संबंधित कम्मे ते इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन दे उपयोग बारे भी दस्या। जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज ए पोलिंग पार्टीज में इन्वॉल्व होंगे उनके लिए ट्रेनिंग है, जिसमें हम उनको जो पीओ की जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं, P1, P2, P3 की जो रोल रिस्पांसिबिलिटी है वो हम सिखाएंगे इनको। पहले फेज में इलेक्शंस हैं 19 अप्रैल 2024 में, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान, हमारा ट्रेनिंग प्लान, मैन पावर मैनेजमेंट, ईवीएम मैनेजमेंट, सब कुछ ऑन ट्रैक है। और हमारी पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ 3,000 से ज्यादा हमारे पोलिंग पार्टी में लोग रहेंगे जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आख्या भारत च लोकतंत्र की प्राचीन ते अटूट संस्कृति है। कल संजा सियोल च दक्षण कोरिया आसिया आयोजित लोकतंत्र पर शिखर सम्मेलन च अपनी गल वर्चुअल तौर पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री और आख्या जे सहमति बनाने, खुली चर्चा ते ओपन डायलॉग भारत के इतिहास का हिस्सा है। प्रधानमंत्री होरें इस गल्ले पर लो पाई जे हुण थमां किश हफ्ते मगरा दुनिया भारत च लोकतंत्र दे सारे चा बड़े त्यौहार दा साक्षी बनोग। उन्हें आख्या जे चुनाएं च 1 अरब मतदाताएं आसिया वोट देने दी उम्मीद है ते इह मनुखता दे इतिहास च सारे चा बड़ी चुनाव कवायद होग। उन्हें आख्या जे भारत दे लोग इस बार फिर लोकतंत्र उपर अपने विश्वास की पक्का करंगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे नवा भारत आतंकवाद की सहन नहीं करता, सगुआं अपराधियों की सबक सिखांदा है। नवी दिल्ली च कल संजा भारत राइजिंग समिट च बोलदे हुए प्रधानमंत्री होरें आख्या जे भारत च दहशत फैलाने वाले हुण कुते भी नहीं न, ते आख्या जे पूरी दुनिया 21वीं सदी की भारत की सदी मनदी है। प्रधानमंत्री होरें इस गल्ले पर लो पाई जे बड़ी एजेंसियों ते अर्थशास्त्रियों की भारत के अगे बढ़ने का भरोसा है, ते पूरी दुनिया इस गल्ले की दिखा रही है जे पिछले 10 बरें च भारत च किस चाली बड़े बदलाव आए न। भारतीय स्टेट बैंक ने अज सुप्रीम कोर्ट च यह आखते हुए जवाबी हल्फनामा दायर किया जे इलैक्टोरल बॉन्ड बारे अल्फा न्यूमरिक नंबरें समेत सारी जानकारी चुनाव कमीशन की दे दी है, जे किश भी नहीं रोकया गया है। जंदे सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने SBI की हिदायत दी ही जे ओ बॉन्ड खरीदने दे हासिल करने वाली सियासी पार्टियों बशकार रिश्ते पर पर्दा पुटने वाले यूनीक बॉन्ड नंबर समेत सबने इलैक्टोरल बॉन्ड बारे 21 मार्च भीरवार संजा 5 बजे तोड़ी व्यापक जानकारी हासिल करवा। चुनाव कमीशन की यह भी आख्या गया है जे SBI थमां हासिल ए जानकारी अपनी वैबसाइट पर अपलोड करी दे। इस बरे 15 फरवरी की 5 जजें पर आधारित अदालत की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की बेनामी सियासी फंड हासिल करवाने वाली इलैक्टोरल बॉन्ड स्कीम की गैर संवैधानिक आखते हुए रद्द करी दिता है, जे चुनाव कमीशन की फंड देने वाले दे नां दित्ती गई रकम ते हासिल करने वाले दे नां 13 मार्च तोड़ी उजागर करने के हुक्म दिते है। प्रसार भारती दूरदर्शन समाचार आसिया जम्मू लई बक बक वर्गें दे ओहदे आस्ते फुल टाइम कंट्रैक्चुअल आधार उपर इच्छुक मेदवारें कोला दरखास्तां मंगियां गईयां न। मेदवार भारतीय नागरिक होने लोचते ए ओहदे न कंटेंट एग्जीक्यूटिव, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, वीडियोग्राफर, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट ते न्यूज एंकर कम कोरेस्पोंडेंट न। इस बारे मती जानकारी प्रसार भारती दी वैबसाइट prasarbharati.gov.in/pbvacancy/. पर हासिल हो सकती है। मेदवार ऑनलाइन दरखास्तां प्रसार भारती की एप्लीकेशन prasarbharati.org वैबसाइट पर दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र जम्मू आसिया स्टिंगर्स का पैनल बनाने लई दरखास्तां मंगियां गईयां न। जम्मू जिले लई 5 ते कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ जिले लई 2-2 असामियां आस्ते दरखास्तां मंगियां गईयां न। एदे लई नियम शर्तां ते होर दूई तफसील वैबसाइट www.ddindia.gov.in जां फिर DD News जम्मू ट्विटर हैंडल थमां हासिल कीतियां जा सकदियां न। योग्य ते तजुर्बेकार उम्मीदवार इन्हें असामियां लई दरखास्तां समाचार प्रमुख दूरदर्शन केंद्र जम्मू टाली मोड़ दे लागे जानीपुर जम्मू च एक सीलबंद लफाफे जमा करवाई सकदे न। इस दरखास्त कन्ने 1,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जेड़ा दूरदर्शन केंद्र जम्मू दे ड्राइंग ते डिस्पर्सिंग अधिकारी दे नां होग भी जमा करवाना लाजमी होग। ये दरखास्तां जमा करवाने की खीरी तरीक 6 अप्रैल 2024 है। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गे, दो इजाजत, नमस्कार।